हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के लिए गुड़ी पाड़वा पर आसान निबंध लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए एक एक करके हम निबंध की सारी पंक्तियाँ पढ़ते हैं। हमारे देश में ऐसे कई त्यौहार हैं जो प्राचीन काल से ही बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों के प्रति हमारी आस्था आज भी जुड़ी हुई है। गुड़ी पड़वा भी उन्हीं त्योहारों में से एक है। इस त्योहार को चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा शब्द में गुड़ी का अर्थ है विजय पताका और पड़वा प्रतिपदा को कहा जाता है। गुड़ी पड़वा को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने दक्षिण के लोगों को बाली के अत्याचार और शासन से मुक्त किया था, जिसकी खुशी के रूप में हर घर में गुड़ी अर्थात विजय पताका फहराई जाती है। आज भी यह परंपरा महाराष्ट्र और कुछ अन्य जगहों पर प्रचलित है, जहां हर घर में गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी फहराई जाती है। गुड़ी फहराने के लिए बांस की लकड़ी को अच्छी तरह से साफ करके उस पर नई साड़ी या रेशमी वस्त्र बांधा जाता है। फिर उस पर तांबे या चांदी का लोटा रखा जाता है और गुड़ी को फूलों, नीम और आम के पत्तों से सजाया जाता है। घर के बाहर रंग बिरंगी रंगोलियां बनाकर गुड़ी को घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ा किया जाता है और आम के पत्तों से बना बंधनवार दरवाजे पर बांधा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। गुड़ी पड़वा के दिन खास तौर पर पूरन पोली बनाई जाती है, जिसे घी और शक्कर के साथ खाया जाता है। इसी दिन कई लोग श्रीखंड और पूरी की भी खाना पसंद करते हैं। गुड़ी पाड़वा के दिन नीम की पत्तियां खाने का भी विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नीम की कोपले खाकर गुड़ खाया जाता है। इसे कड़वाहट को मिठास में बदलने का प्रतीक माना जाता है। इससे जुड़ी एक और मान्यता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए इसे सृष्टि के प्रथम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।